सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कार्यकर्ताओं के द्वारा किसान विरोधी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। मैनपुरी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर जिलाधिकारी कार्यालय तक धरना प्रदर्शन करते हुए किसान विरोधी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा देश की कानून व्यवस्था पर भी निशाना साधा। धरना प्रदर्शन देते हुए रोड शो भी किया। इसी बीच जिला अध्यक्ष वोट सिंह ने बताया कि सरकार जिस तरीके से अपनी मनमानी कर रही है, इस मनमानी के विरोध में हम सब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज किसानों के हक की लड़ाई लड़ी है, साथ ही हम सब मिलकर उनके लिए सरकार से लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि सरकार का यह निर्णय बिल्कुल गलत और निराधार है। जब से यह बिल पास किया गया है तब से पूरे देश के किसान सड़कों पर आ गए हैं और अपनी फसलों को भी अच्छे दामों पर नहीं बेच सकते हैं। इसी तरह की मांग को लेकर किसान विरोधी रैली निकाल कर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के इस बिल पर गहरा निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार को यह बिल वापस लेना चाहिए ताकि किसानों के हित में कार्य किया जा सके। किसान इस आर्थिक तंगी से आत्महत्या न कर सके। आइए जानते हैं और क्या कुछ कहा। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, किस बात को लेकर के प्रदर्शन किया? देखिए, भारतवर्ष की जो सरकार है माननीय मोदी जी की सरकार ने एक तीन ऐसे एक विधेयक पास किए हैं जो किसान विरोधी हैं। और किसान ही अन्नदाता होता है और किसान अन्नदाता जब दुखी होगा हिंदुस्तान का, तो कहाँ का किसान, कहाँ का आदमी और सफल रहेगा। इसलिए किसान के जो तीन विरोधी कानून बनाए हैं उन सबका हम लोग विरोध करते हैं। प्रगति समाजवादी पार्टी उन तीनों कानून को वापस लेने का अनुरोध करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।